में हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। हरिद्वार ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र के अंतर्गत गाड़ा वाली गांव में लोग जहरीले पानी व गंदगी से परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि गाड़ा वाली गांव में सरकारी स्कूल के पास एक तालाब बना हुआ है जिसमें जहरीला पानी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे व आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चारों ओर गंदगी फैली हुई है। कई बार शिकायत करने के बाद भी ग्राम प्रधान या कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है और सरकारी हैंडपंप में भी दूषित पानी आ रहा है जो बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं है। कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। जी जो हमारे यहाँ फैक्ट्री का पानी आ रहा है। एक सेकंड जी, नाम के साथ क्या मामला है यहाँ पर, कौन सा गांव है ये? ग्राम गाड़ो वाली है जी। यहाँ के प्रधानों को भी हमने कह लिया, 2-3 बार कह लिया हमने भी। मैंने कहा इस पानी को रोक दो, रुकवा दो, जिसकी फैक्ट्री वो अपना आप इंतजाम करेगा जहाँ जैसा उसका होगा। लेकिन ये पन्नी धुलाई होती है यहाँ से, तो उन्होंने प्रधानों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। तो आपको किसी ने भी बोला होगा जो इसने भी आपको सोची, हम भी समर्थक है इसका। हाँ भाई, ये बंद होने जाना चाहिए यहाँ से। तो क्या परेशानी आ रही इसकी वजह? परेशानी सर तो यहाँ यो हालत हो गई थी, अगर 2 मरीज आ रहे हैं ना हमारे वापसी हो को हॉस्पिटल से, तो 3 जा रहे हैं। पिछले साल यो हालत हो गई थी, गंदगी देखो तुम इसकी। ओए जी शांति जरा, मतलब हाँ जी हमारे बच्चों की हालत ये हो रही है। अब बच्चे जो हाल दोनों बीमार पड़े मेरे भी, इस बच्चे को भी यही बीमारी, यहाँ से नलके का पानी पी ले बेकार हो जाए, इनकी तबीयत खराब हो जाए। नलके का पानी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा, अगर हम इन्हें पी ले आप सूंघ भी नहीं सकते इन नलकों के पानी को। लेकिन हम भाई प्रधान जी को भी शिकायत की थी, दोनों प्रधान जी को शिकायत की थी, मस्जिद मदरसे का चंदा इकट्ठा कर रहे थे। मैंने दोनों को ये बोल दिया था, मैं थारे कहने से मस्जिद मदरसे में पैसे भी नहीं देने का, हमने इस पानी के लिए रोक करी, तो हमने दोनों ने ध्यान नहीं दिया। हमने यो पीने के पानी का कैसे करते हैं फिर? पीने का पानी तो यो हो गया, स्वामी जी ने यहाँ टंकी लगवा दी थी, जो हमारा पीने का भी हो गया काम, और नहीं तो बेकार हो गए हमारे नलकों के पानी, आप सूंघ नहीं सकते। पीने की तो बहुत दूर की बात होगी।